रूपा जी, जहां पर M6 कॉटन में सभी जानकारों को लग रहा था कि ऊपरी स्तर पर यहां पर मुनाफा वसूली बनेगी, वहीं पर आप देख रहे हैं कि कॉटन यहां पर लगातार तेजी की ओर है। मुनाफा वसूली की बजाय कॉटन लगातार तेजी की ओर बढ़ती जा रही है। पहले 44,000, फिर 45,000, अब देख रहे 46,600 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है। रूपा जी, खबरें निकल के सामने आई है कि चाइना में जो कॉटन बेल्ट है वो ड्राउट कंडीशन के चलते और वेदर कंडीशन के चलते वहां पर खराब हुई है। तो ऐसे में चाइना, जो कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक और आयातक देशों में से एक है, वहां पर ऐसी कंडीशन पैदा होना कॉटन में, इसका असर ओवरऑल बाजार पर कैसा देखने को मिल सकता है अब आगे? देखिए, कॉटन में अभी ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है और लगातार प्राइसेस ऊपर सस्टेन होते भी दिखाई दे रहे हैं। और अब जिस तरीके से हमने एमसीएक्स में इसमें ट्रेड आता हुआ देखा है, 40,800 पर फिलहाल बाजार ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अब मान के चलिए 48,000 का स्तर संभव है कि टच हो सकता है, जिस हिसाब से तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी अभी उछाल है और अभी भी 200 रुपए की तेजी जो है फिजिकल में भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी सप्लाई का जो कंसर्न है वो बना हुआ है एज इट इज। अब ये जो चाइना से अपडेट निकल कर आ रहे हैं ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से तेजी में है मार्केट। लेकिन देखिए, वहीं करेक्शन कभी भी आती हुई दिखाई दे सकती है, बाजार कभी भी लुढ़कते हुए नजर आ सकते हैं। और ये लेवल जो है सस्टेनेबल लेवल नहीं है, ये सिर्फ अभी जो क्रॉप डैमेज हुई उसकी वजह से प्राइसेस जो है ऊपर बने हुए हैं। और ये साल बेहतरीन साल है और मुझे लगता है कि इस साल नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं कॉटन के, और अगला साल जो है वो प्रेशर वाला रह सकता है। और इन लेवल्स के ऊपर भी बाइंग सस्टेनेबल नहीं है, कभी भी करेक्शन बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मार्केट में अपनी पोजीशन बनाई जा सकती है। जी।